ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है कि ऑपरेटिंग लिवरेज इज कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी। बेसिकली अगर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच में आप अगर आइटम देखोगे तो दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। अगर आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हो सो द सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड देन कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज ईबीआईटी। तो ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लिवरेज। बीच में देखिए इसके फिक्स्ड कॉस्ट है। अब अगर फिक्स्ड कॉस्ट आपका बहुत हाई है तो ईबीआईटी विल बी वेरी लो एंड देयर बाई योर ऑपरेटिंग लिवरेज विल बी वेरी हाई। तो बहुत हाई ऑपरेटिंग लिवरेज की प्रॉब्लम क्या है कि बहुत हाई ऑपरेटिंग लिवरेज अगर आपका बिजनेस में थोड़ा भी सेल वेल वगैरह कम होता है तो उसके बाद वो हाई ऑपरेटिंग लिवरेज आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है। सो हाई ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब होता है ऑपरेशनल इनस्टेबिलिटी। लेकिन अगर हाई ऑपरेटिंग लिवरेज है तो आप उसका सेकेंड वाला फॉर्मूला देखिए, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल, सेम ऑपरेटिंग लिवरेज का ही फॉर्मूला है। अब यहां पे आप देखो अगर किसी का ऑपरेटिंग लिवरेज से हाई है, एनीथिंग बियॉन्ड 3-4 इज हाई। तो मान लो किसी का ऑपरेटिंग लिवरेज 10 है। अब 10 तभी हुआ होगा जब कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, ईबीआईटी बहुत कम होगा, फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर किसी का ऑपरेटिंग लिवरेज 10 है तो आप ये देखिए कि अगर वो सेल को 5% भी बढ़ा पाता है, माइंड माय वर्ड, इंक्रीज कर पाता है, तो 5 × 10 50% से उसका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बढ़ जाएगा। एंड द सेम विल वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन ऑल्सो कि अगर आपका सेल 5% से गिर जाएगा तो ऑपरेटिंग लिवरेज की वजह से, हाई ऑपरेटिंग लिवरेज की वजह से आपका ईबीआईटी 50% से गिर जाएगा। सो द आइडिया इज हाई ऑपरेटिंग लिवरेज इज ऑपरेशनल इनस्टेबिलिटी। अपवर्ड मूविंग सेल्स के लिए ऑपरेटिंग लिवरेज अगर हाई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सेल इज गोइंग डाउनवर्ड देन हाई ऑपरेटिंग लिवरेज इज गोइंग टू किल अस, इट इज गोइंग टू किल अस। थैंक यू।